नमस्कार, केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। केसीएन टीवी चैनल एक चैनल ही नहीं, एक आंदोलन है। आइए इससे जुड़ें। आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। अब डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। भारत कुकिंग कोल कर्मचारी साख सहयोग समिति जेल गोड़ा का वार्षिक आम सभा संपन्न हुआ। बीसीसीएल गेस्ट हाउस में रविवार को आयोजित आम सभा में सदस्यों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सभा में अराजकता का माहौल दिखा। अध्यक्षता कर रहे थे समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र राय, जबकि संचालन किया संतोष रजक ने। भारत कुकिंग कोल कर्मचारी साख सहयोग समिति जेल गोड़ा के अधिकारियों ने कहा कि कर्मचारी साख सहयोग समिति काफी लाभ में चल रही है और लोन की प्रक्रिया भी काफी आसान है। आइए सुनते हैं सचिव उमा शंकर शाही का क्या है कहना। हमारे झारखंड ब्यूरो शिशिर कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आप बने रहें केसीएन टीवी चैनल के साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। किसी भी तरह की समस्या से संबंधित समाचार देने के लिए आप हमें कर सकते हैं कॉल। उमा शंकर शाही, सेक्रेटरी जेल भारत कुकिंग कोल एम्प्लॉइज कॉपरेटिव। उमा शंकर जी, जेल गोड़ा स्टेडियम में आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा था? जेल गोड़ा स्टेडियम नहीं है, जेल गोड़ा गेस्ट हाउस। हाँ, ये समिति का वार्षिक आम सभा है। इसमें अपने सदस्यों से जो के समक्ष वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करना होता है और सदस्यों को यदि कोई कठिनाई है, ऋण वृद्धि, आपातकालीन ऋण वृद्धि, इन सभी प्रस्तावों का अनुमोदन हमारे माननीय सदस्यों से लेना पड़ता है। इसी क्रम में जो ये आम सभा कराना उप विधि में प्रावधानित है। ये मतलब क्या कोरोना काल से पहले रुका हुआ था? हाँ बिल्कुल। कब से? आपका मार्च 2020 में हम लोगों ने प्रस्ताव लिया था इसका आम सभा कराने का, लेकिन उस समय ही लॉकडाउन वगैरह तमाम कारणों से हम लोग नहीं करा पाए। अभी हम लोग शायद निबंधक साहब को पत्राचार किए, उससे हम लोगों को मतलब मास्क रहित जो भी मतलब आपका संसाधन है आपका कोविड के बचाव हेतु, उनको पालन करते हुए आम सभा कराने के लिए। शायद कई लोगों ने यह भी कहा कि जो आप लोगों का कंप्यूटराइज तो बिल्कुल नहीं होगा। कंप्यूटर इस मत में तो खरीद भी लिया गया है समिति में, और चूंकि कंप्यूटराइज करने में एक खर्च आता है और खर्च का जब तक हम प्रस्ताव नहीं लेंगे आम सभा में तो कल उस पर भी उंगली उठ जाएगी। जहाँ भी खर्च है कोई और उसमें खर्च हम अपने मन से कर देंगे और आम सभा में प्रस्ताव नहीं हो आएगा इस तरह का कोई भी, उसके बाद परमिशन लेना होगा विभाग से, जिस तरह हम लोग करते हैं कॉपरेटिव डिपार्टमेंट से कि आम सभा में हमारा इस तरह का प्रस्ताव आया है, आप भाई इतना मत में हो सकता है, आप अपने स्तर से करवा सकते हैं तो करवाइए, नहीं तो हम लोग को जरूरत है सदस्य डिमांड है इस तरह का। कई लोगों ने वो क्या 25,000 जो था उसे 50,000 क्या नहीं तो आपातकालीन ऋण जो 25,000 है उसे 50,000 बढ़ाने का आया है, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, हम लोग बढ़ाने का प्रस्ताव विभाग में भेजेंगे कार्यालय में। नहीं, यहाँ हम लोग प्रस्ताव लिए हैं, यहाँ हम लोग प्रस्ताव पारित किए हैं, इसकी स्वीकृति स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। हम लोग कोई भी हम अपने मन से कुछ बगैर स्वीकृति लिए हुए जहाँ भी बाइलाज या व्यापार नियमावली में कोई भी परिवर्तन करना होता है तो हम लोग आम सभा से पारित कराने के बाद राज्य सरकार के जो विभागीय लोग हैं, जो अथॉरिटी हैं, उनसे हम लोग इसको अनुमोदित कराते हैं, तत्पश्चात ही हम लोग मतलब उस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लोगों ने प्रस्ताव रखा, उसके लिए क्या करेंगे? हम इस प्रस्ताव को राज्य सरकार में भेजेंगे प्रस्ताव को और वहाँ से अनुमोदन प्राप्त करेंगे, क्योंकि सब लीगली हो रहा है, पब्लिक में ओपन खुले कैमरे के बीच हो रहा है, कोई छिपे कोई चीज़ तो है नहीं। तो क्या आपने आश्वासन दिया है कि मतलब नहीं, अभी अभी हमको देखिए आप बीच में आ गए हैं, हमको भी और डिस्कस करना है सदस्यों से, अभी कुछ लोग भोजन कर रहे हैं, कुछ आएंगे, हमारे दिन भर का कार्यक्रम है, मतलब जो प्रस्ताव रखा उसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हुआ है क्या, जो हम लोग ऑलरेडी 4 लाख पहले ही कर चुके हैं, कोल बोर्ड अभी सोसाइटी में पिछले 3 लाख ही था वहाँ, समझे, और
चूंकि एक बगल के सामान्य तरह के सोसाइटी में 5 लाख का इस तरह का प्रस्ताव आया है तो वाजिब है कि हमारे मेंबर भी करेंगे, जो कि आपका भी स्तर आप उन सोसाइटी से ज़्यादा संख्या है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा। आम सभा भी लेट से हो रहा है कोविड के कारण, तो प्रस्ताव आना वाजिब है और हम लोग करेंगे। जब सदस्य का डिमांड है, सदस्य का पैसा है, तो हमको क्या जाता है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबर लेकर। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।